बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस की डिज़ाइनिंग लेकर आई हूं, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अब मैं आपको डिज़ाइन दिखाना स्टार्ट करती हूँ। इस पर ज़्यादा डिज़ाइनिंग तो नहीं की मैंने, जस्ट पट्टी को हल्का सा डेकोरेट किया है, जिससे ये कुर्ती बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखें, ये हमारा जो भी शर्ट के साथ साइड पे हमारा बॉर्डर मिलता है, ये मैंने उससे इसकी पट्टी को डिज़ाइन किया है। आप देख सकते हैं, ये इस तरह का डिज़ाइन था कि इस पे ये डब्बियाँ बनी हुई थी और साइड पे भी इसकी डिज़ाइनिंग थी। उसको मैंने कटिंग करके, ये देखिए, मैंने दो पीस लिए, साइड से सिलाई किया, जहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा था वहाँ पर मैंने ये नोक बना दी है। आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और इन डब्बियों पर मैंने ये मोतियों की मदद से इसको मज़ीद खूबसूरत बना दिया है। इनके ऊपर मैंने ये दो मोती लगाए, मोती लगाने के बाद सितारी लगा ली। ये आप देखें, ये एक मोती फिर डाला, फिर दूसरा लंबाई में मेरे पास मोती था। आपके पास जिस भी किस्म की मोती हो, पर्ल्स मोती हो, आप किसी मोती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इस डिज़ाइन को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर आपके पास इस किस्म का बॉर्डर साइड पर मिलता है तो आप इस तरीके से डेकोरेट करके अपनी ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव से मैंने शटर लेस लगाई थी क्योंकि मेरी कस्टमर ने कहा था कि मुझे यहाँ पे लेस लगानी है। और दामन पे भी मैंने इसकी सिर्फ लेस लगाई है फैशन पट्टी के साथ, और ये खुफिया लेस लगाई है। अगर आप इसकी कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह लगाई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इंशाल्लाह इस पर एक अलग सी वीडियो बना दूँगी। वैसे मेरे चैनल पर एक वीडियो पहले से मौजूद है, अगर आप खुद स्टिच करते हैं तो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल वीडियो है। नहीं करते तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलर से इस किस्म की पट्टी को बनवा सकते हैं। और ये मेरी पजामा है, इस पे भी मैंने उसी बॉर्डर की मदद से डिज़ाइनिंग की है। इसको मैंने यहाँ पे पहले एक साइड से बनाया, फिर उल्टी साइड पे रखते हुए इसको पलट लिया। इस तरीके से ये नोक बन गई हैं और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, बैक साइड से और ये फ्रंट साइड से, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको फोल्ड करके मैंने सिलाइयाँ लगा ली थी। इस तरीके से ये हमारी नीटनेस आ जाती है। छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर फॉलो किया करें। ये आप देखिए, पहना हुआ कितना खूबसूरत लगेगा। और यही डिज़ाइन आप बाज़ों पर भी बना सकते हैं अगर आपके पास बॉर्डर ज़्यादा हो। मैंने सिर्फ ये पजामे बनाया है। तो ये है मेरी आज की ड्रेस की डिज़ाइनिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखें। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।